एक्सएल संजय सिंह, मेरी डॉटर है जिसका नाम कोमल है, 14 मई को उसको स्टमक पेन और वोमिटिंग की शिकायत हुई, जिसके लिए हमने उसे पास के नर्सिंग होम में एडमिट किया, लेकिन रात को उसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, जिसकी वजह से नर्सिंग होम वालों ने हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑफ आईसीयू कंडीशन उसको चाहिए थी, तो उन्होंने हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए रेफर कर दिया। सो हमने मणिपाल हॉस्पिटल में कॉल की, मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से हमें बड़ा कोऑपरेट किया गया और हमें बोला गया कि आप इमरजेंसी में आइए, हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने के बाद हम बच्चे को एडमिट कर लेंगे। मैं हॉस्पिटल में आया अराउंड 2 AM, मैंने हॉस्पिटल में आने के बाद इमरजेंसी में बच्चे को दिखाया, स्टाफ ने बड़ा कोऑपरेट किया, डॉक्टर्स की टीम रेडी थी जब मैं यहाँ पर आया, उन्होंने इमरजेंसी में इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और इसको सेम टाइम पे एडमिट भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे जब इसकी प्रॉब्लम में हमें रिलीफ नहीं मिला तो MRI वगैरह इस बच्चे का कराया गया, मेरे बच्चे का, तो उसमें हमें पता चला कि इसको बर्थ के टाइम पर एक शंट डाला था, इसके ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज की वजह से वो शंट जो है वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया। न्यूरोसर्जरी टीम को पेडियाट्रिक टीम ने कंसल्ट के लिए अपने साथ ज्वाइन किया, तो डॉक्टर अनुराग सक्सेना के अंडर और बच्चा मेरा ऑब्जर्वेशन में आया और उन्होंने मुझे बताया कि इसका शंट ब्लॉक हो गया है, तो उसकी इमिडिएटली एक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो 15 मई को ही इमरजेंसी में ही इस बच्चे की एक सर्जरी की गई, जिसमें इसके पुराने शंट को, जो शंट इसका ब्लॉक हो गया, वो रिमूव कर दिया गया, एंड सर्जरी वाज कैरिड आउट सक्सेसफुली अंडर डॉक्टर अनुराग सक्सेना टीम। तो उसके लिए मैं बहुत थैंक यू उनका। फिर इसकी नेक्स्ट सर्जरी जो है वो 18 को प्लान की गई, जिसमें इसको नया शंट डाला गया, वो सर्जरी भी डॉक्टर अनुराग सक्सेना की टीम की तरफ से की गई, एंड दैट वाज आल्सो सक्सेसफुल। उसके लिए भी मैंने उनको बहुत थैंक किया, क्योंकि डॉक्टर्स ने बड़े केयर से पेशेंट को ट्रीट किया है और बहुत जल्दी मेरा बच्चा जो है उस टीम के अंडर ऑब्जर्वेशन में रिकवर कर रहा है। आज 10 डेज के बाद अराउंड इस बच्चे के स्टिचेस वगैरह रिमूव किए गए और मेरा बच्चा आज के टाइम पे बहुत ठीक है। मैं डॉक्टर अनुराग सक्सेना और उनकी टीम का बहुत ज़्यादा इसके लिए शुक्रिया करता हूँ और मणिपाल हॉस्पिटल को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। Komal is a 4-year-old girl. When she came to us, she came with complaints of headache, drowsiness, unresponsiveness. She is a case of hydrocephalus with a ventriculoperitoneal shunt which was already placed a few years back. And on examination, it looked like that the shunt is not working properly and that's why the pressure inside the brain is increasing. So there was an immediate need of decreasing the pressure in the brain and she underwent a successful revision of the VP shunt surgery after initial stabilization. She improved significantly within a few days after surgery, and within few days she started eating, drinking, she was again playing with her parents, and when once stabilized she was discharged home. She is coming up in regular follow-up, she is absolutely fine and she is back to her normal self.